हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। और देखिए, आज हम बहुत मज़ेदार दाल बनाने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर ढाबा स्टाइल आप उसको कह सकते हैं। देखिए, हमने इसके लिए टोमेटोज लिए हैं, ग्रीन चिलीज ली हैं, और ये प्याज है और हरी मिर्चें हैं, मैंने बारीक काट ली हैं। ये मसाले आप देख सकते हैं, इसमें पिसा गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और रेड चिलीज हैं पिसी हुई 1 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका आप ले सकती हैं, हल्दी है वो भी 1 टेबल स्पून। और बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी, जो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये तड़के के लिए मैंने चीज़ें निकाल ली हैं, गोल मिर्च है, सफ़ेद जीरा है इसमें, और अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ अपनी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी वाली दाल तड़का। सारी चीज़ें मैंने रेडी करके पहले से रख ली हैं, तड़के के लिए भी सारी चीज़ें पहले से रेडी हैं, सारे मसाले रेडी हैं, ताकि हमें बनाने में ज़्यादा टाइम न लगे। इसलिए अब आप देख सकते हैं, ये दाल मैंने धो के साफ़ करके अच्छी तरह से इसको पतीली में चढ़ा दी है, और अब इसमें बॉयल आने वाला है। चूल्हा मैंने थोड़ा तेज़ रखा है ताकि ये जल्दी रेडी हो जाए और जल्दी बननी स्टार्ट हो जाए। अब इसमें आप देख सकती हैं बॉयल आने लगा है। अपनी इस मज़ेदार दाल में तड़का लगाने के लिए मैं कड़ी पत्ते का भी यूज़ करूँगी, बहुत ही उससे अच्छी खुशबू आ जाती है और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल किस्म का बन जाता है। अब इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, और लहसुन अदरक भी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है, और टोमेटोज भी डाल दिए हैं। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी, और जब तक ये गलेगी, जब तक इसको पकने दें। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल इसकी हो गई है, और ये हमारा मुन्ना भी ये खेल में लगा हुआ है और वेट कर रहा है कि इसकी मम्मा जल्दी से खाना रेडी करें, कार्टून देखने में टाइम पास कर रहा है अपना। और अब मैं चाह रही हूँ जल्द से जल्द ये रेडी हो जाए, ताकि मैं अपनी फैमिली को इसको सर्व कर सकूँ। अब आप देख सकती हैं दाल जो है घुटना शुरू हो गई है, गलना शुरू हो गई है, इसको अच्छी तरह घुटने तक पकाना है आपको। ये वाली रेसिपी के लिए मैंने मूंग मसूर की दाल ली है और बराबर बराबर वजन की ली है। अब मैं अपना तड़का रेडी कर रही हूँ दाल का। प्याज फ्राई करूँगी सबसे पहले, लाइट ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी हैं, और थोड़ा फ्राई करने के बाद गोल मिर्च लाल वाली मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर आपको मज़ीद ऐसी रेसिपीज चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल मूनलाइट ब्यूटीज़ को सर्च करके देखें, हमारे चैनल पर ऐसी बेहिसाब रेसिपीज मौजूद हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। जब तक के लिए बाय।